एजुकेशन डे मनाया जा रहा है भारतवर्ष में। डॉक्टर बाबा साहब के बारे में एक बात बोलूंगा आप लोगों को, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो क्या अपनी दमक छोड़ जाऊंगा, अपनी दमक छोड़ जाऊंगा, अपनी दमक छोड़ जाऊंगा। अगर बाबा साहब की बात हम कहें तो बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि मेरे संविधान को अगर आगे ना ले जा सको तो पीछे मत लाना। हमारे बीच में फॉर्मर डिप्टी स्पीकर सर बैठे हैं, हमारे बीच में भारत के जो टॉप पोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति को ओथ देते हैं, ऐसे महामानव हमारे बीच में जस्टिस बालकृष्ण सर बैठे हैं। मैं उनके सामने एक बात बोलना चाहूंगा कि जब भी भारत में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाए तो यह देखा जाए कि हम बाबा साहब के संविधान को कितना आगे लेगे कितना पीछे लेगे, इस पर मंथन होना चाहिए, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। मैं आई एम ए प्रैक्टिसिंग लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट लास्ट 13 और 14 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट में ही भारत के संविधान का पर डिस्कशन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, और इस देश का पार्लियामेंट इस संविधान से एक्ट बनाता है। आज भारत के संविधान में 5 आर्टिकल बाबा साहब ने दिए और उन आर्टिकलों के वजह से इस देश में एक जन क्रांति आई और उन आर्टिकलों के वजह से ही हम बाबा साहब को गॉड भगवान और बाबा साहब को ही महामानव सब कुछ मानते हैं। वो आर्टिकल थे अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन। आज का युग हम 2017 में हैं, हमारे अपॉइंटमेंट क्या फुलफिल हुए? लाखों पोस्ट है वैकेंसी बैकलॉग भरे नहीं गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बैकलॉग नहीं भरे गए, सेंट्रल गवर्नमेंट में बैकलॉग नहीं भरे गए। इस भारत का अटॉर्नी जनरल 1950 से लेकर आज तक एसटीएससी नहीं बना, नहीं 50 साल तक कोई बनने की उम्मीद है। इस देश में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नहीं बना आज तक। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो जब इस देश में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोई एसटीएससी नहीं होगा, तो जब इंटरप्रिटेशन होगा सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, तो कौन ऐसा लॉयर है, कौन ऐसा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है जो रिप्रेजेंट करेगा भारत के एसटीएससी को सुप्रीम कोर्ट में? अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, किसी कारणवश आज हमारे यूनियन मिनिस्टर थावरचंद गहलोत साहब नहीं आ पाए इस प्रोग्राम में। मैं कहना चाहता हूं पार्लियामेंट में जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मैंने यह आर्गुमेंट किया था हाउस ऑफ लॉर्ड में, बोलने का मौका मिला मुझे लंदन में। अगर भारत के संविधान की बात करें तो बाबा साहब ने कहा था जो पार्लियामेंटेरियन है वो इस संविधान को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आज हम पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इस संविधान के प्रोटेक्शन की बात करें, तो जो पार्लियामेंटेरियन है वो एक पार्टी से बद्ध रहते हैं, पार्टी से बाध्य रहते हैं, नंबर वन प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, जो पार्लियामेंटेरियन बोलना चाहते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन का उतना विस्तृत ज्ञान नहीं होता जितना बाबा साहब अंबेडकर को था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1927 में महाड़ का केस लड़ा सिविल कोर्ट में और 1938 में बॉम्बे हाई कोर्ट से वो केस जीता, और तब बाबा साहब ने 10 साल का मेहनत किया, और जब बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा तो उन्होंने खुद कहा कि मैं लॉयर नहीं होता तो शायद भारत का संविधान नहीं लिख सकता था। बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए इंडिया, जब बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के इंडिया आए तो उनके पास फाइलें ऐसी फेंकी गई, चपरासी भी फाइल फेंकता था, किसी ने किताब, किसी ने पानी नहीं दिया, किसी ने टच नहीं करने दिया। तब बाबा साहब ने यह बोला, एक वो लॉयर के पास गए, वो गोरा लॉयर था, इंग्लिश लॉयर था, जब उसके पास गए तो उस लॉयर से बोला कि मैं आज भी डिप्राइव्ड हूं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद, आने के बाद भी। और उन्होंने बोला इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, ये अनटचेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या होगा? तो उस लॉयर ने बोला आपको लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा, आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। तब बाबा साहब ने बोला मेरी मुक्ति का मार्ग लॉ की डिग्री है, मुझे दोबारा लंदन जाना पड़ेगा। तब जाके ग्रेजुएशन लॉ कॉलेज से बाबा साहब ने लॉ की डिग्री ली, तब भारतवर्ष आए। बाबा साहब ये मैसेज देते हैं कि हमारे पार्लियामेंट
संविधान को जन्म नहीं दे पाते। और साथियों आज कितने बड़े गर्व की बात है इस देश के एसटीएससी लोगों के लिए, 40 करोड़ एसटीएससी लोगों के लिए, कि इस भारत के इतिहास में इस देश के राष्ट्रपति एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति हैं जो इस मुकाम तक पहुंचे। ये बहुत गर्व की बात है, हर्ष की बात है। और हमारे देश के प्रेसिडेंट ने यह मेंशन किया कि जब वो राज्यसभा मेंबर थे तब डिप्टी स्पीकर साहब अटवाल साहब थे जो यहां पर बैठे हुए डिप्टी स्पीकर साहब थे। कितनी बड़ी बात है। और ये संविधान है, भारत का संविधान ही है जिसने राष्ट्रपति पैदा किया। इस संविधान ने यह साबित किया कि मां के पेट से बच्चा नहीं आएगा बल्कि डेमोक्रेसी उसको नियुक्त करेगी, उसको अपॉइंट करेगी। साथियों मुझे बहुत गर्व है हमारे देश के राष्ट्रपति हिज एक्सीलेंसी कोविंद सर पर कल लॉ डे मनाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा साहब थे और आने वाले भविष्य के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उनके सामने उन्होंने बोला कि इस देश में जितने हाईकोर्ट जजेस हैं वहां पर रिप्रेजेंटेशन एसटीएससी का नहीं है, नहीं महिलाओं का नहीं है। यह बात यह मैसेज करती देती है कि हमारे पास एसटीएससी लॉयर हैं, हमारे पास एसटीएससी जजेस कैपेबल हैं, लेकिन फिर भी सीटें नहीं भरी गई, नहीं अटॉर्नी जनरल बनाया गया, नहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया। साथियों मेरा निवेदन आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को दो जगह प्रोटेक्ट करते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, दूसरा पार्लियामेंट। मेरा निवेदन है कि पार्लियामेंट में लीडिंग लॉयर जाएं, वो आर्गुमेंट करें, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करें पार्लियामेंट में, नंबर वन। तब हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और अब इस बात को आगे ले जाते हुए हमारे संविधान दिवस के लिए अब मैं आगे मूवमेंट को बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करता हूं, इस देश में सबसे बड़ी पोस्ट होल्ड जिन्होंने करी और सबसे ज्यादा पीरियड तक जो एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन रहे, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, जस्टिस के जी बालाकृष्ण सर के लिए जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए। मैं चाहता हूं कि सेशन का जो स्पेशल उनके द्वारा इस सेशन का एंड हो, मैं निवेदन करूंगा जस्टिस के जी बालाकृष्ण साहब को, आप धरोहर हैं सर, और हमारे डॉक्टर अटवाल सर आप धरोहर हैं इस देश के, इस कौम के सर।